मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बेबी ड्रेस की चोली बनाना सिखाऊंगी। यहाँ मैंने सफ़ेद रंग का ऊन लिया है, 3 प्लाई वाला और 12 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। इस तरीके से हम चैन लेंगे। इस तरीके से हम 70 चैन बनाएंगे। इसमें ऐसे 70 चैन बनाएंगे। चैन बनाते हैं फिर दिखाते हैं आगे। ये हमने 70 चैन बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम 3 चैन और लेंगे, 1 2 3। इस तरीके से 3 चैन लेने के बाद हम 3 चैन स्किप करके हम चौथे वाले में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में डालेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इस रो में हम डबल क्रोशिया करते हुए तैयार करेंगे। इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे। हर चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को बनाकर तैयार कर लिया। अब हम यहाँ पर 3 चैन और लेंगे, ऐसे घुमाएंगे और हम इस तरीके से इसी में डाल के एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया और हम इसमें नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल, एक चैन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरे में 1 डबल क्रोशिया, फिर उससे आगे हमने 2 डबल क्रोशिया एक ही में। इस तरीके से हम 2 में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और तीसरे में हम 2 बार डबल क्रोशिया, 2 छोड़कर तीसरे में डबल क्रोशिया 2, अब तीसरे में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से इस रो को बनाते हैं। हमारी दूसरी रो भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम 3 चैन और लेंगे, फिर हम इसी में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर हम नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। अब 3 डबल क्रोशिया के बाद हम चौथे वाले में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस तरीके से 3 में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथे में हम 2 बार डबल क्रोशिया, फिर आगे हम 3 में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, 3 छोड़कर चौथे में डबल क्रोशिया। इस रो को बनाते हैं हम इसी तरीके से।
हमने इस रो को भी बनाकर तैयार कर लिया है। तीन चैन लेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर हम इसमें डालेंगे पास वाले में। अब हम पहले तीन डबल क्रोशिया करने के बाद चौथे में बनाते थे दो बार डबल क्रोशिया, अब हम चार में बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया, और चार के बाद पांच में बनाएंगे हम दो बार डबल क्रोशिया। तो एक, दो, तीन, चार। अब हम चार को छोड़कर पांचवे में बनाएंगे दो बार डबल क्रोशिया। फिर से एक, दो, तीन, चार। अब हम चार में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पांचवे में बनाएंगे हम दो बार डबल क्रोशिया। इस रो को भी हम इसी तरीके से बनाते हुए तैयार करेंगे। आगे दिखा, हमने इस रो को भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम तीन चैन फिर लेंगे इसमें, अब हम हर चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस बार हमें कोई भी नहीं बढ़ाना है, इस बार हम ऐसे ही हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते जाएंगे इसी तरीके से। इस रो को बनाकर तैयार करते हैं इस तरीके से। इस बार एक भी नहीं बढ़ाएंगे हम इसमें, ऐसे ही बनाते हुए तैयार कर लेते हैं। ये रो हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये हमारी पांचवी रो है और इसमें हमने एक भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाया है। अब हम इसको जॉइन कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लेंगे। एक, दो, तीन चैन लेंगे, फिर हम इसी में डाल के एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम नेक्स्ट में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। पहले हमने चार के बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ाया था, अब हम पांच के बाद एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब पाँच के बाद हम छठवे वाले में दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, अब हम आगे पांच में हम एक एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच के बाद हम छठवें वाले में डालेंगे और दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरीके से हम आगे बनाएंगे, इसी तरीके से हम इसको बनाते हुए तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारी ये रो भी बनकर तैयार हो गई है। आगे दिखाते हैं आपको क्या करना है। आगे बनाते हैं हम इसको, तीन चैन लेंगे इसमें, अब हम इसी में डाल के एक बार डबल क्रोशिया करेंगे।
तरीके से हम दो तीन चार पाँच और छः। अब हम छः बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम सातवें में दो बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से अब हम आगे दो तीन चार पाँच छः, छः में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अब सातवें में हम दो बार डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम इस रो को भी तैयार कर लेते हैं बना के, आगे दिखाते हैं हम आपको बना के। ये हमारी रो बनकर तैयार हो गई है। हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात, हमने सात रो बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इससे आगे तीन चैन लेंगे। अब हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस बार हमें एक भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाना है। आठवीं रो हमें ऐसे ही बनाकर तैयार करनी है। ये हमारी आठवीं रो है, इसको हम ऐसे ही बना के तैयार करते हैं। हम एक भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे। आगे दिखाते हैं बना के। हमारी ये रो बनकर तैयार हो गई है। तीन चैन और लेंगे, फिर हम अगले में नेक्स्ट में डालेंगे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम इस रो को भी इसी तरीके से बनाएंगे। कोई भी डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे हम इसमें। आठवीं रो की तरह ही हम ये नौवीं रो इसी तरीके से बनाकर तैयार करते हैं। इस तरीके से इसको बनाकर तैयार करते हैं, फिर दिखाते हैं हम आपको क्या करते हैं। हमने नौवीं रो को बनाकर तैयार कर लिया है और इसमें हमने 17 फंदे यहाँ पर रखे हैं, 17 यहाँ पर रखे हैं और 42 बाजुओं में, 42 42 और 54 बैक साइड में। अब इसको बनाते हैं। इससे आगे हम तीन चैन लेंगे और हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए तैयार करेंगे इसको। एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हर चैन में इस तरह से। इसको हम यहाँ तक बनाकर तैयार करते हैं, दिखाते हैं हम आपको बना के। हमने इसको यहाँ तक बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको निकालेंगे। इसको इस तरीके से हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। और इसमें इस तरीके से अब हम आगे भी इसमें डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। ये हमारा बाजू का हो गया। इसको अब हम यहाँ तक बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ तक दिखाते हैं इसको बना के आपको।
हमने इसको यहाँ तक बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको निकालेंगे पिन को इस तरीके से। अब हम इसको जॉइन करेंगे। इसमें इस तरीके से जॉइन हो गया। अब हम आगे भी डबल क्रोशिया करते हुए बनाएंगे। इस रो को हम इसी तरीके से यहाँ तक बनाकर तैयार करते हैं। यहाँ तक बनाते हैं हम इसको, आगे दिखाते हैं। फिर हमने इस रो को बनाकर तैयार कर लिया। हम इसको जॉइन करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब हम यहाँ पर 3 चैन और लेंगे इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से बनेगा। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे। अब हम इसमें डबल क्रोशिया करते हुए बनाएंगे इसको। इस तरीके से डबल क्रोशिया करते हुए हम इसको बनाते जाएंगे। इसको बनाते हैं, हम आपको फिर दिखाते हैं कैसे बनाना है इसको आगे। हम इसको इसी तरीके से बनाते जाएंगे यहाँ भी इस तरीके से। हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को इसी तरीके से बनाकर तैयार करते हैं हम। ये हमारी रो बनकर तैयार हो गई है, दिखाते हैं हम आपको। इस तरीके से आप जितनी लेंथ रखना चाहें इसको उस हिसाब से इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। इस तरीके से डबल क्रोशिया करते हुए हम इसको बनाते जाएंगे। और इसको जितना आप लंबाई रखना चाहते हैं इसकी उतना आप रख सकते हैं। इसको हम बनाने के बाद दिखाते हैं आपको इसको कैसे बनाया, आगे दिखाते हैं हम आप। हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। हमने इसमें बाजुओं के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हमने इसमें 17 रो बनाकर और तैयार की हैं। आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई रख सकते हैं। इस तरीके से अब हम धागे को कट कर लेंगे इसको। हम इस धागे को कट कर लेंगे। अब हम इसमें बाजू बनाएंगे। बाजू हम दूसरे पार्ट में बनाएंगे। दूसरे पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके देख लीजिए।